कैसा है कि ये राम मंदिर का जो मुद्दा है, अयोध्या का जो मैटर है, इसने हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी जो है खाई पैदा कर दी है दो तबकों के दरमियान, के जो सालों साल से सैकड़ों बरस से हिंदू मुसलमान साथ रहते चले आ रहे थे, एक दूसरे को अपना भाई मानते थे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक थे, ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि अंग्रेज़ों ने बाकायदा ये बीज बोया कि यहाँ हिंदुस्तान की जो आवाम है ये बटी रहे, और ये लगातार मुसलमानों के नुकसान का सबब बन रहा है। और देश के अंदर देश का मुसलमान पिछले 70 सालों से इस मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहा है, न तरक्की की बात कर रहा है, न तालीम की बात कर रहा है, ना अपनी रोज़गार की बात कर रहा है, उसको सिर्फ ये बहका रखा है असामाजिक तत्वों ने कि तुम यह है राम मंदिर और जो है अयोध्या के मैटर पर बहस करते रहो और अपनी तरक्की के बारे में, तालीम के बारे में कुछ मत सोचो। जबकि इस्लाम के अंदर हकीकत यह है कि जिन मुद्दों पर इख्तलाफात हों, लोगों की दिलाजारी हो, कत्ल खून हो, या कहीं भी कोई जो है हिंसा फैल रही हो, उस मुद्दे से मुसलमानों को बचना चाहिए। और अब ये वक्त आ गया है, क्योंकि हमारी वो तंजीमें जो देश में मुसलमानों को की ठेकेदार बनती हैं, उन्होंने जब इस मुद्दे पर 70 सालों से कोई अहम काम नहीं किया, सकारात्मक इख्तियार नहीं किया, इस मुद्दे को हल करने के लिए आगे नहीं बढ़े, तो मजबूरन देश का आम मुसलमान आज बाहर आया है निकल के, उसने कहा है कि इस मुद्दे को हम सुलझाएंगे। और जो मंदिर है जो है अयोध्या के अंदर, जब वहाँ सब एविडेंस मिल गए हैं, और के मोहम्मद ने आर्कियोलॉजिकल विभाग की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक वहाँ मंदिर था, तो जब ये साबित हो चुका है कि वहाँ मंदिर था तो वहाँ मंदिर अब बन जाना चाहिए, क्योंकि देश का मुसलमान और ज़्यादा जो है इस मुद्दे पर नहीं अपने आप को कुर्बान करना चाहता, बहुत कुर्बानी दे दी, लाखों लोग जो इसमें शहीद हो चुके हैं। और एक आदमी हदीस शरीफ के अंदर है, हम नई बात सलमान फरमाया, एक इंसान की कीमत, जान की कीमत दुनिया से ज़्यादा है, बेगुनाहों का खून हुआ, जगह जगह लोग मारे गए इसके अंदर। आपको जो लोग कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कहते हैं कि ये जो है ये भाजपा आरएसएस का फ्रंट है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, देश का आम मुसलमान आपके साथ नहीं है और वो नहीं चाहता कि यहाँ राम मंदिर बने। ये मैं जो मैं सुनता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्लीज़ आप रिस्पॉन्स। देखिए, ऐसा है कि आम मुसलमान जो है वो आम है, ये वो खास लोग हैं जो देश की चिंता कर रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस मूवमेंट को उठाया है। आपने खुद कहा कि वो आम लोग हैं, आम जनता जो बाद में पीछे आती है, ये वो बुनियाद के वो लोग हैं जो तारीख में अपने नाम लिखवा के जा रहे हैं, कि जब कभी तारीख लिखी जाएगी तो इन लोगों का नाम लिखा जाएगा कि अगर इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई आगे बढ़ा था तो ये मख्तसर सी जमात, थोड़े से लोग पूरे देश से दिल्ली आए थे, ये डेलीगेशन पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से यहाँ पर आए हैं, इनका नाम तारीख से सुनहरे लिखा जाएगा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे आ रहा था, ना जमीतुल हिंद आगे आ रही थी, ना मिल्ली काउंसिल आ रही थी, ना हमारे बड़े बड़े इमाम और उलमा आगे आ रहे थे। तमाम के तमाम जानते हैं, अपनी निजी महफिलों में कहते हैं कि ये मुद्दा हल होने चाहिए, मगर जब मुद्दा हल करने की बात आती है तो वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये जिनको आप छोटा समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि आरएसएस के लोग हैं, हकीकत ये है कि ये इन्होंने उस आवाज़ में लब्बैक कहा है, देश के दर्द को समझा है, देश की आवाम की हालत को समझा है इन लोगों ने, कि आज अगर देश को ज़रूरत है इस मुद्दे को हल करने की ज़रूरत है, और मुद्दा हल होगा इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। आज ये तादाद थोड़ी है, आने वाले वक्तों के अंदर लाखों की तादाद बनेगी और फिर करोड़ों के अंदर बनेगी, और एक दिन वो आएगा कि बहुत जल्द जो है इस मसले का समाधान होगा, और ऐसा समाधान होगा कि इसमें किसी को भी जो है कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी की इज्जत नहीं जाएगी, दोनों ही पक्षों के अंदर मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ में ये मुद्दा हल हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, जो हम लोगों से बात करते हैं, कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि देखिए अगर ये अयोध्या का ये मसला अगर रिजॉल्व हो गया, इसके बाद काशी और मथुरा की भी डिमांड आएंगी, इसके बारे में आप प्लीज़ किया। देखिए, ऐसा है, सिर्फ मुद्दा जो है अयोध्या का है, उसके बाद हिंदुस्तान में हज़ारों मस्जिदें बंद पड़ी हुई हैं, वो उन मस्जिदों को खोलने की बात करें वो लोग, क्योंकि कभी ये लोग मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, उन मस्जिदों की बात नहीं करते हैं कि दिल्ली के अंदर सदरजंग मदरसा, पुराने किले की मस्जिद, और देश में बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ नमाज नहीं हो रही है, ये उन्हें खोलने की बात करें, ये मामले को उलझाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देश का मुसलमान जो हिम्मत कर रहा है उनकी हिम्मत टूट जाए, क्योंकि इनके अंदर अपने आप हिम्मत नहीं है, ये कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो ताकतें जो मुसलमानों को 70 सालों से मिसयूज़ कर रही है, मुसलमानों का और मुसलमानों का वोट होगा, वो इनको बहकाना चाहती हैं और देश के मुसलमानों को बरगलाना चाहती हैं। आपके मन में अभी जो सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेने वाली है? सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुका है कि ये मुद्दा ऐसा है कि इसको आप कोर्ट से बाहर आपसी सहमति से इसको हल करें, हम चाहते हैं कि ना हार हिंदू की हो ना हार मुसलमान की हो, दोनों की जीत हो, दोनों मिलकर मस्जिद बनाएं, दोनों मिलकर मंदिर बनाएं। मस्जिद कहाँ बनेगी? देखिए, ऐसा है कि
अयोध्या के अंदर जो है राम मंदिर बनेगा और मस्जिद भी इंशाल्लाह वही बनेगी और दोनों समुदाय के लोग बखुशी इसको कबूल करेंगे। मैं कह रहा हूँ किस स्थल पे बने। देखिए ऐसा है कि पहले मंदिर तो बने, पहले जो जिस जगह का मसला है वो हल हो जाए तो देश का मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है कि वो टकराएगा। और आज की इस तहरीक के बाद में देश में लाखों लाखों आवाजें उठेंगी और लोग साथ जुड़ेंगे, इस मुद्दे को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे।